दोस्तों अभी हम सिलेबस का एक वो चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं जिस चैप्टर को मैक्सिमम स्टूडेंट्स एक फियर फैक्टर समझ के चलते हैं। तो फियर फैक्टर हियर मींस आई एम टॉकिंग अबाउट इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर हम इसको इतना टफ और क्रिटिकल समझते हैं कि बाप रे, मतलब कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअली दोस्तों इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर हार्ड नहीं है। हार्ड इसलिए लग जा रहा है क्योंकि इसके अंदर में केसेस काफी ज्यादा होते हैं, यानी कि इस टॉपिक के अंदर में थोड़ी बहुत वैरायटी आपको देखने को मिलेगी और दो चार चीज कैलकुलेशन के कुछ फ्लेवर्स आपको देखने को मिलेंगे। और कैलकुलेशन उसके बाद कुछ एंट्रीज याद रखनी है और कुछ केसेस को याद रखना है, तो इसलिए इशू ऑफ शेयर थोड़ा टफ सा लगता है। लेकिन सबसे पहली बात हम एक चीज बोलेंगे कि देयर इज नथिंग टफ, एवरीथिंग इज सिंपल इन द चैप्टर। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द इशू ऑफ शेयर नाउ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इशू ऑफ शेयर के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग इशू ऑफ शेयर के डेमोन्स्ट्रेशन को देख रहे हैं, यानी कि इशू ऑफ शेयर एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, कि कंपनीज का अकाउंटिंग क्यों करती है, हर क्यों के आंसर्स को भी हम इस डेमोन्स्ट्रेशन में स्टडी करेंगे। सो आते हैं दोस्तों इशू ऑफ शेयर। जब मैं बोल रहा हूं इशू ऑफ शेयर, यू कैन सी द वर्ड देयर, द टू वर्ड्स चैप्टर इज अबाउट इशू ऑफ द शेयर्स। इशू ऑफ द शेयर सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि पहले बात इशू कौन करता है, इशू करती है, व्हाट इज कॉल्ड इशू। इशू मींस होता है बेचना, इशू करना, इशू मतलब होता है मार्केट में शेयर्स को सेल करना, राइट। तो ये चैप्टर में ऐसा क्या खास है, तो देखिए दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो कंपनी को कैपिटल की नीड होती है, यानी कि पैसों की नीड होती है। ऑफकोर्स मैं अगर एक कंपनी हूं तो मुझे पैसा चाहिए, तो वो कंपनी अपना पैसा, यानी कि अगर सपोज किसी कंपनी को 100 करोड़ रुपीज चाहिए, तो वो 100 करोड़ रुपीज इकट्ठा करती है। तो जहां से भी वो इकट्ठा करे, हम लोग पहले देखते हैं कि पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है। तो 100 करोड़ उस कंपनी को चाहिए, तो कंपनी उससे लैंड खरीदेगा और लैंड खरीदने के बाद उस कंपनी उस लैंड के ऊपर अपना एक स्ट्रक्चर बनाएगा फैक्ट्री का। और फैक्ट्री के स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे फिर प्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, फिर कंपनी इस प्रोडक्शन किए हुए स्टॉक को अपने गोडाउन में जाके प्लेस करेगी। दिस इज गोडाउन, गोडाउन से प्रोडक्ट मार्केट में सोल्ड किया जाएगा। मार्केट में सोल्ड करने के बाद कंपनी उस मार्केट से प्रॉफिट कमाएगी, मुनाफा, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो दोस्तों ये सब करने के लिए कंपनी को 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़, 100 करोड़। तो 100 करोड़ आएगा कहां से, तो 100 करोड़ को लाने के लिए कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं। तो सोर्स वन, कंपनी बैंक से ला सकती है एज अ लोन। सोर्स टू, कंपनी मार्केट में डिवेंचर सोल्ड कर सकती है। और सोर्स थ्री, मार्केट और कंपनी शेयर्स मार्केट में बेच सकती है। तो हमारा सब्जेक्ट शेयर्स के बारे में, तो हम अभी फिलहाल इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कंपनी कैसे शेयर से पैसे लाती है। तो इशू ऑफ शेयर इज कंप्लीटली एंड एंटायरली इज अबाउट मेकिंग द सेल ऑफ शेयर इन द मार्केट, सेल ऑफ शेयर इन द मार्केट। तो कैसे सेल होता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा समझते हैं व्हाट इज कॉल्ड शेयर फर्स्ट। शेयर का मतलब क्या होता है, शेयर का मतलब होता है कि जो मैं 100 करोड़ ला रहा हूं, वो 100 करोड़ के अंदर में अलग 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 लोगों से कंट्रीब्यूशन ले रहा हूं, तो जो कंट्रीब्यूशन इकट्ठा होगा उससे बनेगा 100 करोड़। अब बात होती है कि कंट्रीब्यूशन कितने का होगा, तो इसलिए हम एक कंट्रीब्यूशन अमाउंट फिक्स करते हैं कि अगर किसी को पर्सन को हमारी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने या लगाने हैं, तो आप 100 रुपए या फिर आप 10 रुपए कॉन्ट्री करें। तो 10 रुपए कॉन्ट्री मीन 10 रुपए का हिस्सा, 10 रुपए का हिस्सा मीन 10 रुपए का शेयर। तो अगर मैंने बोला 100 रुपए कॉन्ट्री करें, तो इसका मतलब 100 रुपीज एक हिस्सा हो गया, जो कॉन्ट्रीब्यूशन हिस्सा होता है, तो वो 100 रुपए कॉन्ट्री करेगा और 100 रुपए कॉन्ट्री करेगा, फिर 100 रुपए कॉन्ट्री करेगा, इधर से 100 रुपए कॉन्ट्री होंगे, अलग 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 जगह से 100 रुपए का कॉन्ट्री होगा। तो लेट्स टेक द एग्जांपल, द कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट इज हियर 100 रुपीज। So, कंपनी आस्किंग टू द शेयर होल्डर कि पैसे लाओ, लगाओ मेरी कंपनी में, तो 100 रुपए से कॉन्ट्री से लगाओ। तो एक बंदा है जो बोल रहा है कि मैं 100 रुपए लगाना चाहता हूँ, तो वो 100 रुपए का हिस्सा लगाएगा। अगर वो बोलता है बंदा कि मेरे को 200 रुपए लगाने, मतलब उसको दो हिस्से लेने पड़ेंगे, यानी कि 100 रुपए का एक हिस्सा और दूसरे 100 रुपए का एक हिस्सा। कोई बंदा बोलता है मुझे 300 रुपए लगाने, तो 100 रुपए का पहला हिस्सा, 100 रुपए का दूसरा हिस्सा, 100 रुपए का तीसरा हिस्सा, ऐसे 3 हिस्से, मतलब 3 शेयर्स, यानी उसने 100 रुपए का एक हिस्सा खरीदा या 100 रुपए का एक हिस्सा इन्वेस्ट किया, तो ऐसे 3 हिस्से उसने इन्वेस्ट किया, यानी कि 300 रुपए उसने मेरी कंपनी में लगाए।
यानी कंपनी ने उसके तीन हिस्से बना के एक सर्टिफिकेट बनाया जिसमें कंपनी स्पेसिफाई किया कि ही हैज कंट्रीब्यूटेड बाय 3 शेयर्स एंड रुपीस बाय रुपीस 300 इन द कंपनी। तो कंपनी में ओवरऑल कैपिटल उसने 300 रुपए का दिया और 3 शेयर्स में दिया, यानी कि 3 शेयर का कंट्रीब्यूट हुआ। सो द शेयर इज कॉल्ड एस। द शेयर इज नथिंग बट द शेयर इज अ सिंगल कंट्रीब्यूशन। शेयर इज अ सिंगल कंट्रीब्यूशन। So someone is want to make a double, triple, four time contribution in the company, they can do that. So one share is 400, second will be 400, third will be 400, fourth will be 400. So jitne rupay usko contribute karne hain, agar suppose koi shareholder bolta hai ki mujhe 10 rupay contribute karna hai, 10,000 rupay contribute karna hai, 10,000. So aapki company mujhe 10,000 rupay lagane hain, to company ne bola ki ek contribution hamara 100 ka hai, yani ki ek share yani ek hissa hamara 100 rupay ka hai. So us hisab se उस बंदे को कंपनी 100 शेयर्स का सर्टिफिकेट देगी, यानी कि उसने 100 शेयर्स हमारी कंपनी में खरीदे हैं, यानी कि 100 शेयर का पैसा उसने हमको दिया है, 100 शेयर्स इनटू 100 रुपया, क्योंकि एक शेयर 100 रुपए का था, तो 100 शेयर इनटू 100 रुपया मतलब यहां पे होता है 10,000 रुपया, राइट। तो दोस्तों कंपनी को जब 100 करोड़, 50 करोड़ या फिर जितना भी करोड़ का कैपिटल अगर मार्केट से इकट्ठा करना है तो लोगों को कंपनी शेयर सोल्ड करती है। अब डिपेंड करता है लोगों पे कि कौन कितना शेयर ले रहा है। मिस्टर एक्स बोल रहा है मुझे एक शेयर चाहिए तो मतलब 100 रुपए लगाएगा। मिस्टर वाई बोल रहा है मुझे दो शेयर चाहिए मतलब 200 रुपए लगाएंगे, यानी कि 2 शेयर। और जेड बोल रहा है मुझे 5 शेयर चाहिए मतलब 500 रुपए लगाएगा, यानी एक शेयर 100 रुपए का है। तो दिस इज कॉल्ड शेयर इन द कंपनी। शेयर इज नथिंग बट अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। तो कंपनी के शेयर कैपिटल के अंदर में इन लोगों ने जो पैसे लगाए तो उसको बोलते हैं हम लोग शेयर, राइट, शेयर कैपिटल। सो नाउ फिर से एक बार बता दें, जहां पे स्टूडेंट लोगों को काफी कंफ्यूजन होता है, मैंने काफी बार देखा अपने करियर में, टीचिंग करियर में स्टूडेंट्स लोग गलत इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि एक शेयर होल्डर मतलब एक शेयर, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, फिर से सुनिए आप मुझे मैं क्या बोल रहा हूं। एक शेयर होल्डर मतलब एक शेयर, ऐसा नहीं होता है। मतलब 500 शेयर्स है ना, 500 शेयर होल्डर, ऐसा भी नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है? जैसे कि मिस्टर एक्स है, मैंने आपको अभी समझाया था कि मेरी कंपनी में अगर कंट्री करना है तो आपको मिनिमम 100 रुपए कंट्री करने हैं। तो एक शेयर मेरा 100 रुपए का, इसका मतलब मिस्टर एक्स बोल रहा है मुझे 500 रुपए लगाने, मतलब एक्स को 100 100 100 100 ऐसे 500 हिस्से लगाने, इसका मतलब 5 शेयर्स वो खरीदेगा तो अब जाके 500 मेरे कंपनी में लगाएगा। अब यहां क्या किस्सा हुआ कि मिस्टर एक्स इज अ वन पर्सन एंड ही इज इंट्रोड्यूसिंग 500 इन द कंपनी। सो हियर इट मींस वो अकेला बंदा मेरी कंपनी में 5 शेयर ले रहा है। तो इससे ये पता चल जा रहा है कि नंबर ऑफ शेयर्स अलग चीज होती है और शेयर होल्डर अलग चीज होती है, यानी कि एक अकेला शेयर होल्डर भी कंपनी के 5 शेयर होल्ड कर सकता है, या अकेला शेयर होल्डर कंपनी के 100 शेयर्स 1000 शेयर्स भी होल्ड कर सकता है। तो दोस्तों यहां पे मैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपको पहले क्लियर कर रहा हूं कि वन शेयर होल्डर डू नॉट मीन अ वन शेयर। द वन शेयर होल्डर डू नॉट मीन अ वन शेयर। द वन शेयर होल्डर मे बी अ वन शेयर फॉर द टू शेयर, फॉर द थ्री शेयर, फॉर द फोर शेयर, फॉर द 10 शेयर और फॉर द एंटायर शेयर्स इन द कंपनी। सो इज दैट क्लियर? तो अगर 5 शेयर होल्डर है तो इट मे बी दैट कि 5 लोग है तो मेरी कंपनी के अंदर 5000 शेयर भी ले सकते हैं। किसी ने 1000 लिए, किसी ने 500 लिए, किसी ने 600 लिए, किसी ने 700 शेयर में कॉन्ट्री किया। तो इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में डिफरेंस है दोस्तों। तो ये पहले अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर को समझने के पहले। सो नाउ अभी हम देखते हैं और केस कि अगर इस कंपनी को सपोज किसी कंपनी को अगर शेयर कैपिटल से पैसा इकट्ठा करना है तो किस तरीके से कंपनी शेयर कैपिटल से पैसा इकट्ठा कर सकती है, तो वहां भी हम वो देख रहे हैं। दोस्तों मानो कि एक कंपनी है जिसको मार्केट में 10,000 शेयर बेचने हैं और शेयर का रेट है ₹100। नहीं, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो कंपनी एक हिस्सा 100 रुपए का बेच रही है, तो उस कंपनी को 10,000 हिस्से बेचने हैं, 10,000 शेयर्स। वो कंपनी चाहती है कि लोग उसके कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करें, 10 लाख रुपीज। ये कैसे निकला? एक शेयर 100 रुपए का है तो इसको 10,000 शेयर से इंटू कर देते हैं, तो एक शेयर जब 100 रुपए का है तो 10,000 इंटू 100
10 लाख रुपीस का कैपिटल कंपनी में आ रहा है, 10 लाख रुपीस, यानी कंपनी को 10 लाख रुपए इकट्ठा करना है, तो कंपनी को 10,000 शेयर्स बेचने पड़ेंगे। ये पूरे 10,000 ये अकेले बंदे को बेच रहे हैं, या दो लोगों को बेच रहे हैं, या तीन लोगों को बेच रहे हैं, या पूरे इंडिया को बेच रहे हैं 10,000 शेयर। दिस डिपेंड ऑन कंपनी, राइट। इसके लिए कंपनी क्या करता है, सबसे पहले इसका कंपनी सेबी से जाके परमिशन लेके, फिर आरओसी से जाके परमिशन लेके, फिर स्टॉक मार्केट से कंसल्ट करके इस शेयर को मार्केट में लॉन्च करता है, स्टॉक मार्केट में। इन सब से परमिशन लेके स्टॉक मार्केट में लॉन्च करता है, फिर मार्केट में कंपनी 10,000 शेयर इशू निकालती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग आईपीओ। आईपीओ का मतलब दोस्तों होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब शुरुआती किया गया लोगों को ऑफर, शुरुआती ऑफर, स्टार्टिंग ऑफर। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, इस ऑफर के जरिए कंपनी मार्केट में अपने शेयर लॉन्च कर रही है और लोगों से पैसा इकट्ठा करने का कंपनी ने प्लान बना चुका है। सो दैट मींस कंपनी मेड एडवर्टाइजमेंट, कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट दे दिया। इमेजिन करो कि आप लोग घर पर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कंपनी का वहां पे आईपीओ का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है कि कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाहती है। तो कोई तुम्हें आदमी कहीं तुम्हें चाय पी के सब पढ़ रहा है कि 10,000 बेचने हैं तो मैं इस कंपनी के 1,000 शेयर लेता हूँ, कोई पढ़ रहा है मैं इस कंपनी के 500 शेयर लेता हूँ, कोई पढ़ रहा है कि इस कंपनी के मैं 300 शेयर लेता हूँ। यानी पूरे इंडिया से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लोग खरीदने के बारे में सोचना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर खरीदने के लिए लोग क्या करेंगे, मतलब इंडिया के सारे कॉर्नर से मेरी कंपनी के अंदर लोग एप्लीकेशन करेंगे शेयर्स खरीदने के लिए। मींस दैट पीपल विल स्टार्ट अप्लाइंग फॉर परचेस ऑफ द शेयर्स। तो जैसे कि इमेजिन करते हैं कि आईपीओ मैंने जब लॉन्च किया तो मिस्टर एक्स, फिर वाई, फिर जेड, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इन सभी लोग कंपनी में अप्लाई करेंगे कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, यानी कि इनको लोगों को शेयर चाहिए। तो मिस्टर एक्स बोल रहा है कि मैं 1,000 शेयर लूंगा, मिस्टर वाई बोल रहा है मैं 500 शेयर लूंगा, जेड बोल रहा है मैं 1,000 लूंगा, ये बोल रहा है मैं 100 लूंगा, ये बोल रहा है मैं 500 लूंगा, ये बोल रहा है मैं 200 लूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे एक्स वाई जेड जो बोल रहे हैं कि मैं अलग 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 क्वांटिटी शेयर ऑफ शेयर मुझे चाहिए। एक बंदा एक शेयर ले सकता है, एक बंदा दो शेयर ले सकता है, एक बंदा 1,000 शेयर भी ले सकता है। तो सभी लोग अप्लाई करेंगे। दोस्तों ये थोड़ा ध्यान से सुनेगा, ये जरूरी नहीं है कि मैंने 10,000 शेयर बेचने के लिए निकाले हैं तो लोग एप्लीकेशन भी 10,000 शेयर का मेरे पास आएगा। नो, मेरे पास पूरे इंडिया से एप्लीकेशन आएगा। हो सकता है कि किसी को चाहिए 5,000 शेयर, 6,000 शेयर, कोई बोलता है मेरे को 8,000 चाहिए, कोई बोलता है मुझे 2,000 चाहिए, कोई बोलता है मुझे 20 शेयर चाहिए। तो सारे शेयर्स की जो मैं एप्लीकेशन की टोटल मारूंगा तो इट मे बी एक्सेस देन माय इशू। मैंने बेचने निकाला था 10,000, उससे भी ज्यादा एप्लीकेशन मेरे पास आ सकता है कंपनी में। सो दैट मीन टू से द कंपनी हैज टू टेक द डिसीजन कि ये 10,000 शेयर जो उन्होंने बेचने निकाले हैं तो इतने सारे लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये कंपनी को सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो यहां पर कंपनी को 10,000 ही शेयर बांटने हैं, बिकॉज कंपनी लॉस है, इन्होंने परमिशन सिर्फ 10,000 शेयर्स का बेचने का लिया हुआ है, तो जिस वजह से 10,000 से ज्यादा शेयर लोगों को नहीं बांट सकते। सो दैट मींस कंपनी हैज टू टेक द डिसीजन इन देयर मीटिंग कि किसको कितने शेयर्स अलॉट करे, या फिर कुछ शेयर होल्डर्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे और कुछ लोगों को एक्सेप्ट करे। तो कंपनी हैज टू टेक द डिसीजन अबाउट दैट वन, यू नो। सो दिस इज व्हाई द एंटायर स्टोरी इज लाइक दिस। तो कंपनी के पास जब एप्लीकेशन आता है तो यहां से कंपनी का अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है, अलॉटमेंट। सो व्हेन आई से द अलॉटमेंट प्रोसेस, अलॉटमेंट मींस व्हाट, कंपनी किसको कितना शेयर बांटेगा ये डिसाइड होता है, दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। दोस्तों एक यहां पे एक बहुत ही छोटी सी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं कि जब कंपनी शेयर बेचने निकालती है और एप्लीकेशन आती है तो यहां पर तीन केस होने के चांसेस होते हैं, देयर आर द थ्री चांसेस दैट मे हैपन इन द सिचुएशन। द फर्स्ट चांस हियर, द फर्स्ट चांस, 10,000 शेयर बेचने के लिए निकाले मैंने, एप्लीकेशन मेरे पास आ रही है 10,000 शेयर की, मींस दैट दिस इज कॉल्ड पावर सब्सक्रिप्शन। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक ऑन द बोर्ड, लुक एट एंड कॉन्सेंट्रेट। The issue of company
the issue of company is 10,000 share, right? So now let's say कि market से application आ रहा है exact 10,000 share के लिए, तो इसको हम बोलते हैं par subscription, इसको हम बोलते हैं par, P-A-R, par subscription, मतलब जितना issue था उतने का ही exact application आया, इसको बोलते हैं par subscription. Second होता है कि market से application आया 12,000 shares का, 12,000 shares का, तो इसको हम लोग बोलते हैं over subscription, over subscription, यानी कि ज़्यादा का application आ गया, 10,000 में से निकाले थे, 12,000 का application आया, that is called over subscription. और एक होता है market से अगर कम share, that is called 8,000 शेयर का एप्लीकेशन आया, 8,000, तो इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. तो दोस्तों यू कैन सी दिस, 10,000 का एप्लीकेशन आया तो पार, 12 का आया तो ओवर सब्सक्रिप्शन, और उस 10,000 से कम आया तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. तो हमारे क्वेश्चन जब हम इशू ऑफ शेयर के सॉल्व करते हैं तो हमको एक बार हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि इज देयर एनी पार सब्सक्रिप्शन और दी ओवर या फिर अंडर, तो ये देख के हमको चलना पड़ता है. तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, राइट? कुछ नहीं, वो क्वेश्चन के अंदर हम डिस्कस करेंगे जब हम हमारे नेक्स्ट कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम जब इशू ऑफ शेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें सिचुएशन आएगी तो वहां पे मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये कैसे डील करते हैं हमारे अकाउंटिंग में. फिलहाल तो हम लोग सीख रहे हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली मींस बाय द इशू ऑफ शेयर. तो इशू ऑफ शेयर में टर्म्स आते हैं, तो वन टर्म इज देयर, दैट्स कॉल्ड इशू ऑफ शेयर. अब मानो कि कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया, जितना भी आया भैया, पार आए, ओवर आए, कुछ भी आ जाए, अंडर आए, पार आए, ओवर आए, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया, फिर कंपनी का एक मीटिंग होता है, उस मीटिंग में डिसाइड होता है कि किसको कितने शेयर बांटना है, दैट नोन इज, दैट इज नोन एज अलॉटमेंट प्रोसेस. इसको हम लोग अलॉटमेंट प्रोसेस बोलते हैं दोस्तों, अलॉटमेंट प्रोसेस. सो व्हेन आई से इट इज अलॉटमेंट प्रोसेस, तो अलॉटमेंट प्रोसेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, और डिसाइड करने के बाद एक बार डिसाइड हो जाए तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब, उसको बोलते हैं हम सब्सक्राइब, यानी कि शेयर बांट दिया. मानो कि एक पल के लिए 10,000 कंपनी ने बेचने को निकाला 10,000 शेयर्स, और पूरे के पूरे कंपनी ने सब्सक्राइब कर दिए, यानी कि बांट दिए 10,000 लोगों को, नाम डिक्लेयर कर दिया कि कंपनी 10,000 शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है. अब बात आती है कैपिटल कलेक्शन की, यानी कैपिटल कलेक्शन नाउ मींस व्हाट, जिन जिन लोगों को कंपनी ने शेयर्स दिए हैं उन उन लोगों से कंपनी अब पैसा भी लेगा, राइट? लेकिन दोस्तों यहाँ पर यही ट्विस्टिंग पार्ट है और यही मस्त पार्ट है हमारे इस टॉपिक का, और इसी के ऊपर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, और इसी टॉपिक का हम थोड़े से भी सीरियसली पढ़ेंगे, राइट? अब कंपनी स्टेप वाइज पैसा लेती है. अब जैसे कि अब देखिए, आप जैसे कि कंपनी को एक शेयर पे लेना है 100 रुपए, यानी कि अगर किसी ने 5 शेयर लिए होंगे तो 100 रुपए का एक शेयर है, तो एक शेयर के ऊपर मतलब कंपनी को शेयर से पैसे इकट्ठा करने, तो कैसे करेंगे? जैसे अभी 100 रुपए का शेयर है तो कंपनी पूरा पैसा कभी एक साथ नहीं मांगती किसी भी शेयर होल्डर को, कंपनी इसको इंस्टॉलमेंट में मांगती है, जिसे पहला इंस्टॉलमेंट उसको होता है एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के वक्त पैसे भरो, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट होता है अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट के वक्त, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल, और होता है फाइनल कॉल. यहां पर आप देख रहे हो कि एप्लीकेशन तो कंपलसरी होता है, बिना एप्लीकेशन के तो शेयर दे नहीं सकते. अलॉटमेंट ये बात का प्रोसेस होता है एप्लीकेशन के, ये भी कंपलसरी होता है, और फर्स्ट, फाइनल और सेकेंड कॉल, ये तीन कॉल कंपनी ने बनाए. कंपनी चाहे तो ये तीन की जगह एक कॉल बना सकती है, एंड दैट विल बी द फाइनल. यानी एप्लीकेशन कंपलसरी, अलॉटमेंट कंपलसरी है, उसके बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कंपलसरी नहीं. यानी कि कंपनी बचाओ पैसा फर्स्ट कॉल में ही मांग ले पूरा का पूरा, और अगर कंपनी को लगता है कि नहीं हमने इंस्टॉलमेंट बढ़ाने हैं, तो कंपनी उसका फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल, इस तरीके से इंस्टॉलमेंट बनाता है. मतलब कंपनी पूरा पैसा 5 इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकता है, और कंपनी चाहे तो ये पूरा पैसा 3 इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकता है. ये डिपेंड कंपनी पे करता है. तो कंपनी कैसा पैसा कॉल करेगा? अगर 100 रुपए का शेयर है तो कंपनी इसको डिवाइड कर सकता है, लाइक
20 rupees, मानो कि 20 rupees, अगेन द 20 rupees, एड 20 rupees, मानो कि कंपनी ने एवरेजली एक एक कॉल 20 रुपए का किया हुआ है। इस तरीके से कंपनी 100 रुपए मांगी है, मतलब कि कंपनी किसी एक शेयर होल्डर से अगर पैसा ले रहा है एक शेयर का, तो 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, ऐसे करके 5 इंस्टॉलमेंट में कंपनी पूरा 100 रुपया एक शेयर पे कलेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? सो इन दैट सेंस वी हैव टू गो इट। तो हमारी कंपनी क्वेश्चन के अंदर में हमेशा हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल पे 20, सेकंड कॉल पे 20, फाइनल कॉल पे 20, राइट? इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं तो जल्दी समझेगा। मानो कि अभी मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास 1000 शेयर्स है, यानी इसने कंपनी में 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो कंपनी ने इसको 1000 शेयर अलॉट किए थे। अब इसको 1000 शेयर पे पैसे कंप्लीट करने, मतलब 1000 शेयर पे कंपनी को पैसे पे करेगा, तो कैसे पे करेगा जरा आप उस तरीके से देखिए। कंपनी इससे एप्लीकेशन पे, इसके पास 1000 शेयर, तो कंपनी एक शेयर पे 20 रुपए लेने वाला है। दिस इज 1 शेयर अमाउंट, 100 रुपीज इज 1 शेयर अमाउंट, तो इसके पास 1000 शेयर है, तो 1000 × 20 यानी कि 20,000 रुपीज मिस्टर एक्स एप्लीकेशन पे भरेगा। अलॉटमेंट पे भी वैसी सेम 1000 × 20 यानी कि 20,000 वो अलॉटमेंट पे भरेगा, ऐसा ही 20 वो भरेगा फर्स्ट कॉल पे, सेकेंड कॉल पे, और ऐसे भरेगा फाइनल कॉल पे। तो उस हिसाब से मिस्टर एक्स का ओवरऑल, मिस्टर एक्स का ओवरऑल 1 लाख रुपीज पूरा आएगा। आप देख सकते हो 1000 शेयर है, एक शेयर उसने 100 रुपए का लिया था, उस हिसाब से इसका 1 लाख रुपीज कंपनी में इकट्ठा हो जाना चाहिए, मतलब इट शुड कलेक्ट, इट शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स से हम 1 लाख रुपए लेंगे, तो 1 लाख रुपए मिस्टर एक्स से इस तरीके से लेंगे, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट पे 20, फाइनल पे 20, सेकेंड पे 20, ऐसा ओवरऑल 1 लाख रुपए मिस्टर एक्स से अपने को मिलेगा। तो ऐसे एक्स जैसे बहुत सारे लोग होंगे, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, अगर हम सबसे एक एक 1 लाख या फिर जो भी अमाउंट बनता है वो लेंगे, तो हमारी कंपनी के पास ओवरऑल, कंपनी के पास 10,000 शेयर्स का पैसा, यानी कि 10,000 शेयर्स इंटू 100 मीन्स कंपनी के पास ओवरऑल 1 लाख रुपया आ जाएगा, लाइक दिस। ओ सॉरी, 10 लाख रुपया आ जाएगा, आई एम रियली सॉरी, 10,000 × 100 कंपनी के पास 10 लाख रुपया आ जाएगा। इस तरीके से कंपनी पैसा कॉल करती है। यू गॉट इट, यू नो, समझ में आ रहा दोस्तों मैं क्या समझा रहा हूं आपको? सो फिर से एक बार हल्का सा मैं समझा दूं कि कंपनी शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट में पैसा लेगा, कंपनी के पास पैसा इकट्ठा होगा, और वो 10 लाख ओवरऑल इकट्ठा होने के बाद कंपनी का कैपिटल कहलाएगा 10 लाख, राइट? दोस्तों इसके अंदर में एक और ट्विस्ट है, जैसे मैंने बोला था आपको इशू ऑफ शेयर हार्ड इसलिए लगता है बिकॉज वैरायटी है, और वो वैरायटी जो है वो ये छोटी 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 बातें होती है जिसको हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डील करेंगे, और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम उसको हैंडल करते हैं, राइट? अब क्या वैरायटी छोटे से केसेस क्या आते हैं, जैसे कि अभी इस केस में देखते हैं कि हमने एप्लीकेशन कॉल किया, अलॉटमेंट किया, फर्स्ट कॉल किया, सेकंड कॉल किया, फाइनल कॉल किया, सारे शेयर होल्डर से हमने पैसे मंगाए। हर बार ऐसा नहीं होता कि सारे शेयर होल्डर पूरे पैसे भरेंगे। मैंने एप्लीकेशन मांगा, एप्लीकेशन तो मांगना ही नहीं पड़ता, एप्लीकेशन करना पड़ता है, सब लोग एप्लीकेशन कर देंगे और पैसा आ जाएगा। अलॉटमेंट मांगा मैंने सारे शेयर होल्डर्स को जिनको मैंने 10,000 शेयर अलॉट किए थे, तो उसमें से कुछ लोग दोस्तों पैसे भरते, कुछ लोग नहीं भरते। ये तो नॉर्मल नेचुरल रूल है कि मैं सबको मांगूंगा, जरूरी नहीं होता है कि सारे लोग पैसे पे करेंगे, तो कुछ लोग नहीं करते। फर्स्ट कॉल मांगा, नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं कॉल इन एरियस, उसको हम बोलते हैं कॉल इन एरियस। तो याद रखिए दोस्तों मैंने क्या बोला, अगर मेरी कंपनी के अंदर ऐसे 1000 शेयर होल्डर्स है, तो 1000 में से 800 लोगों ने पैसे भरे, 200 लोगों ने पैसे नहीं भरे, तो जो 200 लोगों ने वो पैसा नहीं भरा, तो उसको बोलते हैं कॉल इन एरियस, दैट इज अ कॉल इन एरियस। ये कैसे होता है? इसका नाम होता है कॉल इन एरियस, मतलब कॉल अभी भी पेंडिंग है, वो कॉल अभी तक पे नहीं हुआ है। एरियस हियर मींस अ पेंडिंग, सो कॉल इज पेंडिंग हियर, राइट? तो कॉल इन एरियस इज कॉल्ड। तो दोस्तों और मजे की बात, कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि 1000 लोगों को मैंने कॉल किया, फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन भरा, सब लोगों ने भरा, अलॉटमेंट सब लोगों ने भरा, फर्स्ट कॉल जब मैंने मांगा तो कुछ लोग, जैसे मिस्टर जॉन्टी ले लेते, मिस्टर जॉन्टी, कुछ लोग फर्स्ट कॉल के वक्त ही सेकंड और फाइनल कॉल भी भर देते हैं। यानी कि मिस्टर जॉन्टी को हमने बोला फर्स्ट कॉल भरी, आपका ड्यू डेट आ गया, तो मिस्टर जॉन्टी ने बोला कि मेरे पास पैसे ज्यादा है, तो मैं फाइनल कॉल भी भर देता हूँ, सेकेंड कॉल भी भर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप मुझे मत मांगना। तो दिस इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस, यानी कि कंपनी मांगने जा रही है फर्स्ट कॉल का पैसा, और मिस्टर जॉन्टी भर रहा है हमारा एडवांस मनी, क्योंकि उसको जो कॉल किया नहीं वो कॉल पे कर रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड कॉल इन एडवांस।
उसको कॉलिंग एडवांस बोलते हैं। तो ये सेकंड केस है, कॉलिंग एरियस वो केस है जहां पे पैसा मांगा भरा नहीं है, दैट इज कॉल्ड कॉलिंग एरियस। और कॉलिंग एडवांस वो केस है जहां पे पैसा मांगा किसी और चीज का और उन्होंने एडवांस में भर दिया बाकी पूरा पैसा, दैट इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस, राइट। इसके अलावा और क्या होता है क्वेश्चन में, जैसे अभी दोस्तों कॉलिंग एरियस और कॉलिंग एडवांस आया, तो इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो कॉलिंग एरियस होता है, इस कॉलिंग एरियस में बेसिकली कंपनी लगाती है इंटरेस्ट। अगर किसी शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया तो उसके ऊपर कंपनी लाभ चार्ज करती है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जो चार्जिंग रेट है दोस्तों वो है 5% एज पर द लॉ। अगर कंपनी के आर्टिकल में डिसाइड नहीं है कि कितना परसेंट बैच चार्ज करना है, तो कंपनी लॉ के टेबल ए के हिसाब से कॉलिंग एरियस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 5%। यहां रखिए दोस्तों 5%, ये क्वेश्चन में कहीं पे भी आ सकता है, तो हम इसको डील करेंगे, जब हम डिस्कस करेंगे तब हम जरूर देखेंगे। कॉलिंग एरियस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है 5%। सो यू डोंट हैव टू चार्ज द इंटरेस्ट इन योर क्वेश्चन अंटिल एंड अनलेस इट इज गिवन। जब तक नहीं दिया रहता तब तक इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है, करना नहीं है अपने। लेकिन एज पर द प्रैक्टिकल लॉ यू हैव टू चार्ज द 5% इंटरेस्ट। दैट मींस टू से कंपनी हैज टू चार्ज द 5% इंटरेस्ट ऑन द शेयर होल्डर इफ दे डोंट हैव पेड द मनी। व्हाट अबाउट कॉलिंग एडवांस? जो लोग एडवांस भरते उनका क्या? उन्होंने तो पहले पैसे भर के रखा हुआ जो उनको 2 महीने के बाद मांगने वाले हैं, तो उनको 2 महीने के का बैच अपने को देना पड़ता है जिन लोगों ने कंपनी को एडवांस दे के रखा हुआ है। इफ यू डिपॉजिट योर मनी इनटू बैंक तो बैंक विल पे यू द इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप कंपनी को एडवांस पैसा दे रहे हो तो डेफिनेट कंपनी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो आपको इंटरेस्ट दे। तो लॉ के हिसाब से कॉल इन एडवांस पे 6% का इंटरेस्ट देना पड़ता है, 6%। इस बार कंपनी देती है लेकिन नहीं है। कॉलिंग एरियस की केस में कंपनी मांगेगा और एडवांस की केस में कंपनी देगा इंटरेस्ट। कॉलिंग एरियस 5%, कॉलिंग एडवांस 6%। सो ये दोस्तों याद रखिएगा, ये आपके जनरल नॉलेज के मैंने आपको बता दिया कि जब आप इशू ऑफ शेयर को डील करेंगे तो कॉलिंग एरियस और कॉलिंग एडवांस में इंटरेस्ट कैसे चार्ज होता है। गॉट इट? नाउ एक और केस मैं आपको इशू ऑफ शेयर के बारे में बता दूं, जो कि हमारा इस डेमोंस्ट्रेशन का लास्ट केस है। इस केस में हम देखेंगे, बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी कॉल पे कॉल किए जा रही है और मिस्टर एक शेयर होल्डर है, मिस्टर एक्स, वो पैसे मांग रहे हैं, हम उसको नहीं दे रहे हैं, पहला लेटर जा रहा है वार्निंग, पहला लेटर जा रहा है नोटिस कि आप पे करो, नहीं दिया। दूसरा उसको लेटर जा रहा है कि वार्निंग लेटर जा रहा है, पैसा दो, नहीं दे रहा है। फिर थर्ड उसको इंटीमेशन दे रहे हैं कि योर शेयर्स आर बीन फॉरफिटेड, आपके शेयर फॉरफिट हो चुके हैं। अब बोलेंगे सर व्हाट इज फॉरफिटर? कंपनी लॉ में ऐसा एक प्रोविजन है और कंपनी के पास राइट और पावर भी होता है कि कोई शेयर होल्डर अगर बार बार मांगने के बाद नोटिस भेज रहे हो, वार्निंग लेटर दे रहे हो, तो उसके बाद भी अगर वो पैसे आपको नहीं दे रहा है तो कंपनी को फुल अथॉरिटी होता है, और कंपनी के आर्टिकल में अगर रूल है तो ये तो पूरा ही अथॉरिटी होता है कि कंपनी उस बंदे के शेयर्स फॉरफिट कर ले। फॉरफिट मीन्स होता है जब्त, और जब्त में बड़ी मजे की बात है कि अगर वो बंदे ने एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पैसा भरा हुआ है, अलॉटमेंट का स्टार्टिंग पैसा भरा हुआ है, और बाद में फर्स्ट कॉल मांग रहे नहीं दे रहा है, सेकेंड कॉल मांग रहे नहीं दे रहा है, फर्स्ट भी नहीं दिया, सेकेंड भी नहीं दिया, फाइनल भी नहीं दिया, कंपनी पूरा उसका एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा पॉकेट में डाल देता है, यानी कि जब्त कर लेता है। यानी कि उस शेयर होल्डर ने अगर फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कंपनी ने बार बार मांगा नहीं दिया, तो जो उसने पहले भरा था दैट इज एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, वो कंपनी फॉरफिट कर लेता है दोस्तों। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड अ फॉरफिटर, और वो कंपनी का मेंबर नहीं रहता है, मतलब ही नेवर विल बी द मेंबर ऑफ द कंपनी अगेन एनी मोर, बिकॉज कंपनी मेड इट्स शेयर्स फॉरफिट, कंपनी ने उसका शेयर फॉरफिट कर चुकी है। सो दिस इज अ फॉरफिटर केस। अब एक और केस इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर शेयर फॉरफिट हो गया है तो अब वो शेयर का कंपनी क्या करे, क्योंकि वो नंबर के शेयर जो थे वो कंपनी ने उसे छीन लिए, कंपनी के पास वो शेयर आ गए। अब कंपनी वो शेयर अपने पास पड़ा हुआ नहीं रखेगी, क्योंकि कंपनी विल ट्राई टू फाइंड द न्यू शेयर होल्डर फॉर दैट शेयर्स। तो कंपनी वो जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं वो कंपनी उस शेयर को रीइशू करती है मार्केट में, यानी उसको मार्केट में वापिस बेच देती है किसी नए शेयर होल्डर्स को। तो कंपनी वो शेयर फिर कंसेशनल रेट से बेचती है, कभी ज्यादा के रेट से बेचती है, कंपनी से रिपोर्टेड। तो कंपनी वो शेयर को बेच देती है और कंपनी फिर उस बंदे से पैसा इकट्ठा करती है। और याद रखिए रीइशू के वक्त कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं लेती, रीइशू के वक्त कंपनी बल्क पूरा कंप्लीट अमाउंट लेती है, जस्ट लाइक 100 या फिर 120 या फिर 90, लाइक दिस काइंड ऑफ शेयर। तो कंपनी की विलिंगनेस पे डिपेंड है कि कंपनी को ज्यादा रुपीज में बेचना है कि कम रुपीज में। लेकिन रीइशू के वक्त कंपनी ज्यादा मतलब पूरा शेयर मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं लेती, एक साथ पूरा कंप्लीट अमाउंट लेती है। सो दोस्तों
This was the entire structure of the issue of share that we have seen in this lecture. So now I hope that you will get understand about the complete meaning of the share. And again I will tell you about the detail. This was a discussion about what is issue of share. Now I will give you the details about in the next lecture. That will be types of capital. Authorized capital hota hai, paid up capital hota hai, issued capital hota hai. I will explain all the topic about that thing now in the next video. So thank for this session. So see you again.